सारे निक्के बच्चे खड़ा करता वीडियो नहीं बन पाई पिछे ट्रैक्टर भरोसा मोटरसाइकिल रेता मेरी वाला भी ते पैसे लेंदे भी मेरा नाम है अरविंद अरविंद भोला वार्ड नंबर 11 पार्लीमेंट। समस्या इतने मेरे इधर खेतर न ते मैं चार रोज होए इतने गड्डी लाए लेई आए रहा ट्रैक्टर वाले पूरा रास्ता खराब करता मैं कोई अगर एमरजेंसी मैं किन्या जाई सना अपने घर गड्डी लगी रस्ते की हालत दिखो। अच्छा ट्रैक्टर वाले इन्नी बुरी हालत की ये पुल भी भन तेरा अगे पुल भी भन तेरा ना तो मोटरसाइकिल लंघा करता ना स्कूटर लंघा करता तरीके ने ट्रैक्टर वाले अपना रस्ता भड़काते तो चली पौंदे तो ना स्कूटर मोटरसाइकिल लंघी सकता सानू इन्नी ज्यादा परेशानी है पुछो ही मत अस अगर कोई एमरजेंसी पई अस नहीं इतों निकली सकने ते बाकी अंकल जी तुसें दसो पूरा हुण इत्थे बारे हाँ एक बार पहले मीडिया वाले आए रहे मगर प्रशासन जो कुछ नहीं करा करता साढ़ा कोई इतना हल नहीं होया करता है। हाँ ट्रैक्टर हूँ एक जने का होते दसी है ट्रैक्टर भांति भांति इतने आते हैं। हाँ सवेरे चार बजे को शुरू होंगे रेल ही लगी होंगी इंधी इतने तो 300-300 रुपया लेकर लोकल इतों पैसे लेकर ट्रैक्टर टपा करते जेडे JCB वाले इतने रस्ता बनका करते हैं वो 300-300 रुपया पर ट्रैक्टर को पैसे लेइए तो ट्रैक्टर माइनिंग वाले ट्रैक्टर जेडे टपा करते तो सानू इन्नी ज्यादा परेशानी साढ़ा रोड टुटा करता अस अपने खेतर आन जान की मुश्किल हो गई है। हाँ प्रशासन साढ़ा भी ध्यान रखे साढ़े बारे भी सोचे इतने भी दुनिया रही है तो साढ़े बारे भी सोचन पर मैं अपना विषय यह रखना चाहना कि यह रोड है मेरा नाम पतवंत सिंह बेदी मैं तरसचुआ वार्ड नंबर 12 से रहने वाला। ठीक है सर मेरा घर इतने इस रस्ते अं रोज़ आने जाने और यह रस्ता अं अपने पैसों नाल यह बनवाया प्रशासन ने इस बीच कोई पैसा नहीं पाया और यह मुड़ के ट्रैक्टर ने सारा रोड तोड़ता है। अं प्रशासन अगर यह बेनती करना चाहते हैं कि यह रोड की कोई देखभाल की जाए और ना पुलिस प्रशासन कुछ वास्ते कुछ कर रहा ना कुछ सवेरे 4 बजे तो लैके शाम तक ट्रैक्टर जड़े है ये दरिया की माइनिंग का समान लेके जा रहे हैं और ये SHO साहब को कुछ ये बारे सोचना चाहिए भी की करना की नहीं करना कि बस यो सर कहना चाहता रस्ता पूरा तोड़ता बच्चे स्कूल नहीं जा सकते ना जान का कोई रस्ता रहा ना कुछ आके खुद देख सकते हैं। डिमांड साड़ी पूरी सर अजे तक पहले भी यही दसे ही लेकिन साड़ी डिमांड पूरी नहीं हुई ना कि इन्हें कुछ किया प्रशासन खुद आके देखना चाहिए और करना चाहिए क्योंकि बच्चे स्कूल जाते इस रस्ते और बच्चे जाने वास्ते कोई रस्ता नहीं रहा कि हर साल को अस ग्राही करके रस्ता बनकाते हैं तो यह हर साल यही हाल हों ट्रैक्टर वाले आते हैं ये रस्ता बन के चल जाते हैं तो प्रशासन साड़ी बिल्कुल नहीं सुना करता ना इतने SP साहब का भी चक्कर लाइए देखा कि के माइनिंग के हुआ करता ट्रैक्टर किया हुआ करते के करा करते कि रोड बना करते हैं कोई इतने सुध बुध कोई नहीं लाया करता है तो इतने थोड़ा गौर किया जाए। हाँ साडा नाम गुलाम रसूल बानिया इतने के रहने वाले जी वार्ड नंबर 11 ये घर है साड़ा इतने निके निके बच्चे जाते सवेरे शामी ट्रैक्टर की लाइन लगी दी होंगी हेठ ही बच्चे आ के हेठ आ जाते तो असी कई बारी रिपोर्ट भी की आख्या भी फिर असी पैसे अपनी ग्राही करके अपने घर आने रोड बनाया
हूँ फिर तोड़ छड़िया हूँ ये पौले दे पौल शाम सवेरे की गल है एवें अड़ियादा उधर बच्चे गाले के देखना चाहिए डीसी साहब नू तुसी रिपोर्ट पजानी है सर ते एसपी साहब नू भी कि ये जो गरीब लोग इन्हों की कोई पुछ मंग नहीं कोई देखभाल नहीं पुलिस साढ़े उधर चौंकी है चौंकी आले पासे जाते नहीं इधरों साढ़े आले पासे इतों ये पुल तोड़ने की कोशिश है रस्ता सब टुट गया इन्नी जनाब साड़ी आ